हेलो अगेन माय फ्रेंड्स, आज मैं अपने सिस्टम में डीप डाइव करके आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से हमारे चार्ट सेटअप होते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ अपना प्लेटफॉर्म खुला है PMEX का। इसमें आपने जो है वो व्यू में जाना है और नेविगेटर में जाना है। जब आप नेविगेटर खोलेंगे तो आपके पास यहाँ ये फोल्डर्स नज़र आ जाएंगे, राइट। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने फाइल में जाना है और ओपन डेटा फोल्डर करना है। जब आप ओपन डेटा फोल्डर करेंगे तो आपके पास ऐसा ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप जाएंगे MQL5 के अंदर और इसके अंदर इंडिकेटर्स हैं। आप इंडिकेटर्स में जाएंगे। मैं ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं इन्हें अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके इनका लिंक ऐड कर दूंगा। आपने वहाँ से इन फाइल्स को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, राइट। तो यहाँ आप ये फाइल्स को पेस्ट कर देंगे, प्लस आपने यहाँ राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, टेम्पलेट्स में जाना है और लोड टेम्पलेट में जाना है, और जो टेम्पलेट की फाइल हो वो आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है राइट क्लिक करके। सही, टेम्पलेट की फाइल आप यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेम्पलेट की फाइल आ जाएगी और आप उसे सेलेक्ट करके फिर ओपन करेंगे तो चार्ट इसी तरह लोड हो जाएगा जिस तरह से चार्ट लोड होना चाहिए। आपको इसी तरह का व्यू डिस्प्ले आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा डीप डाइव करके आपको अंडर द हुड दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या है, राइट। अगर हम राइट क्लिक करें और इंडिकेटर लिस्ट पे चले जाएं तो आपको इंडिकेटर्स की लिस्ट नज़र आ जाएगी। बेसिकली मैंने किया ये है कि एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड एक्सटेंडेड। इसमें जो है वो हमने ऑप्शन ये रखा है कि बेसिकली 50 टिपिकल प्राइस और ATR पीरियड हमने 10 किया हुआ है। आप ये इन वैल्यूज़ के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या समझ में आता है और आपके लिए क्या बेहतर है। ये मेरी सेटिंग्स हैं जो मैंने यूज़ की हैं। यू आर फ्री टू मेक चेंजेस टू दिस, ऑल राइट। अब हम इसे ओके करते हैं। पहला इंडिकेटर ये था। ये इंडिकेटर ये करता है कि आपकी ये जो कैंडल्स है ना, इनका कलर चेंज कर देता है। हमें नॉर्मल कैंडल्स नज़र नहीं आती, आपको सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर जब पॉजिटिव में जाएगा तो वो कैंडल्स का कलर ब्लू कर देगा, और जब सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर रेड में जाएगा तो ये इनको रेड कर देगा, राइट। सेकंड जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक इंडिकेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये सिर्फ ये करता है कि चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ कर देता है जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम की लाइंस आपको दिखा देता है। जैसे इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और अब मैं 1 आवर के चार्ट में आ जाता हूँ, तो 1 आवर के चार्ट में उसने आपको ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉ कर दी है, राइट। अब आप 4 आवर्स में आ जाते हैं तो 4 आवर में भी इन्होंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। नॉर्मली आप देखेंगे ये वाली लाइंस को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, राइट। लेट्स शिफ्ट डाउन अगेन। 15 मिनट राइट क्लिक किया और इंडिकेटर पे आ गए। तीसरा हमारे पास जो इंडिकेटर है वो यहाँ अडेप्टिव लेगवेयर फिल्टर 2 है। इसके अंदर भी हमने जो सेटिंग यूज़ की है वो करंट टाइम फ्रेम है, लेगवेयर पीरियड 25 है, ये 1.5 है। बाकी ऑप्शंस आप टेस्ट करके देख सकते हैं। ये मेरी सेटिंग्स हैं। इससे ये होता है कि यहाँ पे ये लाइन आ जाती है, राइट। ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये अडेप्टिव लेगवेयर फिल्टर है। जब मार्केट इससे ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव होगा, जब मार्केट इससे नीचे, इस लाइन से नीचे जाएगी तो ये नेगेटिव में होगा, राइट। ये हाई टाइम फ्रेम्स में आपको बेहतर नज़र आएगा, जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, जैसे कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, राइट। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम हमारे पास PMEX के अंदर देखने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जब नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। तो ये एक मुझे एक प्रॉब्लम है PMEX के साथ कि वो टाइम जो फ्रेम है वो आपका वो कंटिन्यूस नहीं रहता, वो एंड हो जाता है और फिर वापस से स्टार्ट होता है। ऑलराइट, एनीवे आप वापस 15 मिनट में आ जाएँ, राइट क्लिक कीजिए, इंडिकेटर पर आ जाएँ, और इंडिकेटर में फिर हमारे पास जो पहला इंडिकेटर है वो QQE है, QQE हिस्टोग्राम।
वो ये इंडिकेटर है। इसकी जो हमने सेटिंग्स यूज़ की हैं वो ये 24 एंड 10 है, राइट। इससे ये होता है कि मार्केट जो है वो जब ये प्लस में जाएगा तो ये बाय का आपको सिग्नल दे रहा है, जब तक ये प्लस में रहेगा ये ज़ीरो लाइन से ऊपर होगा इंडिकेटर तो ये बाय में ही है, राइट। तो ये हो गया क्यू क्यू ई। फिर हमारे पास एक और इंडिकेटर है एश 1.0, ऑलराइट। इसमें भी जो हमने सेटिंग यूज़ की है वो 50 और 10 यूज़ की है। ये नॉर्मली ज़रूरी नहीं कि ये सारे इंडिकेटर्स एग्री करें, लेकिन जब ये एग्री करते हैं तब तो आपने बाय करना ही है, राइट। इसे भी क्लोज करते हैं। और तीसरा हमारे पास कंसेंसस ऑफ 5 है, ये जो तीसरा सबसे आखिरी इंडिकेटर जो है कंसेंसस ऑफ 5, ये करता है कि 5 नॉर्मल इंडिकेटर्स जो हैं जब वो सब पॉजिटिव होंगे तो ये ब्लू डॉट दिखाएगा, जब सारे इंडिकेटर्स रेड होंगे तो ये रेड डॉट दिखाएगा। तो अब आप देखें इसमें कौन कौन से 5 इंडिकेटर्स हैं, जैसे ADX है, राइट, DMI है, CCI है, MACD है एंड स्टोकेस्टिक है। ये इंडिकेटर्स हैं कंसेंसस ऑफ 5। जब ये पांचों इन कंडीशंस को मीट करेंगे तो ये आपको एक ब्लू डॉट दिखा देगा, और जब ये पांचों रेड होंगे तो ये रेड डॉट दिखा देगा। तो दिस इज़ द यू नो व्हाट वी कॉल के गाड़ी का बोनेट खोलें और अंदर देखें कि अंदर क्या है। ऑल राइट, लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर एंड वी विल कंटिन्यू विद अनदर वीडियो।